मन पर आ गया, गुरु कृपा पाने का शुभ अवसर आ गया, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ गया, गुरु कृपा पाने का शुभ अवसर आ गया। मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले कहलाते हैं सच्चे गुरु जग में, सच्चे गुरु जग में। लौकिक शिक्षा देने वाले गुरु का भी सम्मान होता है जग में, होता है जग में। ज्ञान की विनय का पावन पर्व आ गया, गुरु कृपा पाने का सु अवसर आ गया, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ गया, गुरु कृपा पाने का सु अवसर आ गया। अपने गुरु की विनय करो और किसी के भी गुरु की निंदा करो ना, निंदा करो ना। विनय से ही विद्या मिलती है, विद्या से मानव पूज्य है बनता, पूज्य है बनता। चंदनमती सार मन को भा गया, गुरु कृपा पाने का सु अवसर आ गया, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ गया, गुरु कृपा पाने का सु अवसर आ गया। बंधुओं, समस्त गुरुओं के चरणों में विशेष रूप से नमन करने का और उनके उपकारों को मानने का आज ये दिवस है कि अपने अपने गुरु की विनय करें, लेकिन संतवाद पंथवाद में पढ़ करके किसी भी गुरु का कभी भी अभिनय ना होने पाए अपने द्वारा। मुख्य रूप से आज के दिन अपने को ये नियम करना चाहिए। तो ज्ञानमती माता जी ने आज सवेरे नमो लोए सव साहुणम मंत्र दिया कि आज के दिन ढाई युग के समस्त मुनियों को, दिगंबर मुनियों को, साधुओं को, सबको नमो लोए सव, लोक के समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार हो। जिसके हाथ में भी पिच्छी का मंडल है उन सब गुरुओं को हम भावों से नमन करते हैं। कभी किसी भी गुरु के प्रति अभिनय का भाव नहीं आने पाए, लौकिक गुरु के प्रति भी सदा विनय रखें, बच्चों को भी विनय सिखाएं, अपने घर के अंदर बड़ों की विनय करें, माता पिता की, सास ससुर की, देरानी जिठानी की, छोटे भाई बड़े भाई की, बड़े भाई छोटे भाई का समादर करें। ये सब चीज़ें जो हैं लौकिक व्यवहार की चीज़ें हैं। आज गुरु पूर्णिमा से मतलब केवल गुरु का ही नहीं है, लेकिन गुरुता जिनके अंदर है, जिनके अंदर महानता है, बड़प्पन है, अपने से बड़े हैं, अपने से महान हैं, तो घर के अंदर भी ये व्यवहार विनय बहुत आवश्यक है। बहुओं को अपनी सासुओं की विनय करना, हर पुत्र को अपने पिता की विनय करने का होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उनके मन के अंदर। उसी घर में लक्ष्मी बरसती है, उसी घर में वरद हस्त होता है जहाँ पर बड़ों का सम्मान होता है, विशेष रूप से माता पिता का जहाँ सम्मान होता है। सबसे बड़े गुरु तो हमारे लिए वही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ऐसे व्यवहारिक विनय का पालन करते हुए माता पिता को अपने गुरु समझें, अपने से बड़े भाई बहनों को गुरु समझें, और सास ससुर के प्रति महिलाओं को चाहिए कि विनय भाव रख करके और सदैव उनका आशीर्वाद लें। तो इसी भावना के साथ आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी जैसे रोजाना धर्म परिचर्चा करती हैं, धर्म परिचर्चा के माध्यम से आगम के गूढ़ विषयों का ज्ञान कराती हैं लोगों को, उनसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि पूज्य माता जी हम सब लोगों को जिनवाणी के अस्पृश्य अछूते विषयों से आप हमें परिचित कराएं। आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ, सिद्धेभ्यः ओम नमः, 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 सिद्धेभ्यः नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यो गणेशिने मूलोत्तरगुणाध्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः, सर्वस्मै मुनिये नमः। सभी आचार्य उपाध्याय साधु को नमोस्तु। जैसा कि अभी आपने समझा कि आज बीरसा जी महाराज का, आचार्य श्री बीरसा जी महाराज का जन्मदिन, मैं संक्षेप में
अति संक्षेप में 5 मिनट में उनका जीवन परिचय आपको सुनाऊं कि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा सन 1876 में, ईस्वी सन 1876 में विक्रम संवत 1933 में आचार्य श्री का जन्म हुआ है। बीर गांव है दक्षिण में महाराष्ट्र में, अभी हम जाकर भी आए हैं वहाँ, औरंगाबाद जिले में है। वहाँ श्री राम सुख श्रेष्ठी गंगवाल गोत्री खंडेलवाल रहते थे, उनकी धर्मपत्नी माता भाग्यवती, इनके पुत्र बड़े हीरालाल गंगवाल गोत्री। इन्होंने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, और फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को ईस्वी सन 1924 में यानी विक्रम संवत 1980 में इन्होंने आचार्य श्री सांथाल महाराज से छिलक दीक्षा ली, और लगे हाथ 6 महीने बाद ही आश्विन शुक्ला 11 यही सन 1924, तो विक्रम संवत तो बदल गया चैत से, 1981 हो गया, उसमें उन्होंने मुनि दीक्षा ली और समडोली ग्राम में दीक्षा ली है। समडोली ग्राम में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, उसमें दीक्षा हुई है, और उसी दिन जो है आचार्य चारचक्री महाराज को आचार्य पदारोहण हुआ। और कुंथलगिरी में जो आचार्य श्री सांसा जी महाराज ने प्रथम भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को सन 1955 में इन्हें आचार्य पद लिख करके भिजवाया है, मैं तो वहाँ पर छिड़का अवस्था में मौजूद थी, मैंने देखा था मेरे सामने ही ये सब चर्चा हुई थी, और घोषणा भी की थी आचार्य श्री ने लाखों की जनता के बीच में कि मैं आज अपना आचार्य पद अपने प्रथम शिष्य वीर साह जी को भेज रहा हूँ। और आचार्य पदारोहण आचार्य श्री वीर साह जी महाराज का द्वितीय भाद्रपद शुक्ला भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को सन 1955 में ही खानिया में लोगों ने प्रदान किया विधिवत, और आचार्य श्री वीर साह जी महाराज का समाधिमरण आश्विन कृष्णा अमावस्या सन 1957 में हुआ है। लगभग 22 वर्ष मैं गुरु के चरण सानिध्य में रही हूँ, खानिया में आचार्य श्री की समाधि हुई है। एक सबसे बड़ा उनका उदाहरण मैं आपको बताऊँ, उनके संस्कार कितने प्रबल थे। आचार्य श्री को मिर्गी की बीमारी थी, मिर्गी का रोग, तो एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे शास्त्र में, मैंने हम लोगों ने देखा एकदम आचार्य श्री जोर जोर से बोलने लग गए, स्वाध्याय कर रहे थे तो उनके पास एक मुनि बैठे हुए थे, हम लोग पास के ही दूसरे बरामदे में खानिया में बैठे हुए थे थोड़ी दूर पर, और सब अपने स्वाध्याय चल रहा था। उसी समय आचार्य श्री एकदम प्रवचन करने लग गए जोर जोर से, न देवाहा, देव नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना, न देवा का अर्थ क्या है, ऊपर के सुर से संबंध जोड़ो, नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारक और समूर्छन जीव, नारक और समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, और न देवाहा, देव में नपुंसक वेद नहीं है, देव नपुंसक वेदी नहीं होते हैं, केवल स्त्री वेदी और पुरुष वेदी ही होते हैं आदि, ऐसा एकदम प्रवचन करने लग गए, और उस प्रवचन एकदम सटीक हो रहा था संबंध जोड़ करके जोर जोर से। हम लोग जाकर सब उपस्थित हो गए बैठ के, कुछ ही क्षणों बाद में आचार्य श्री आँख उठाकर देखते हैं और कहते हैं सब लोग इकट्ठे क्यों हो गए, अभी स्वाध्याय का समय तो नहीं है, क्योंकि 5 बजे सामूहिक स्वाध्याय चलता था। तो एक मुनि बोले कि आचार्य श्री आप प्रवचन कर रहे थे इसलिए हम लोग आ गए, तो आचार्य श्री मुस्कुराए, अच्छा बस चुप हो गए, अपने स्वाध्याय में लग गए। तो यानी उनके संस्कार इतने प्रबल थे कि मृगी अवस्था में भी इस तरह से और सटीक और सुव्यवस्थित प्रवचन करने लगना, माने कितने संस्कार प्रबल थे कि मृगी के रोग में आचार्य श्री को बाद में बताया सूरजमल जी ने कि महाराज को जब मृगी आती है तो इसी प्रकार से कभी प्रवचन करते हैं, कभी पाठ करने लगते हैं सहस्त्र नाम का, कभी भक्तामर आदि का, कभी जोर जोर से जो है यानी और यदवा तदवा कुछ नहीं कभी उनके मुँह से निकलता है। तो ये संस्कार कितने प्रबल थे, हम लोगों को शिक्षा मिलती है संस्कारों की, और तो अनेकों संस्मरण उनके हैं। आज मैं विषय लिया था मैंने कि गौतम स्वामी की वाणी पर कि हम लोग हम और आप दैवसिक प्रतिक्रमण में और रात्रि प्रतिक्रमण में प्रतिदिन प्रतिक्रमण भक्ति पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण दंडक सूत्र, उसमें आता है नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम, नमो निशी आय नमो निशी आय नमो निशी आय नमो तुदे नमो तुदे नमो ते। इस पर मैं थोड़ा चर्चा करने के सोचा था,
बीच में गुरु पूर्णिमा गर्मी से थोड़ा सा गुरु का परिचय और आचार्य श्री के चरणों में नमन करने के अनंतर मैं जरा प्रतिमण ग्रंथत्रयी, यह प्रतिमण ग्रंथत्रयी श्री प्रभाचंद्राचार्य की टीका है। इसमें उन्होंने णमो निसि ही आए, तो निसि ही आए इसका अर्थ 17 प्रकार से किए हैं। एक शब्द के 17 अर्थ किए हैं। निसि ही आए, निसि आए अर्थात निषिद्धिका को नमस्कार हो। नमो निसि ही आए, निषिद्धिका को नमस्कार हो। तो मैंने जहाँ तक पाया है कि तीर्थंकर भगवतों की टोक को जैसे अयोध्या में समय शिखर में टोक कहते हैं, जन्मभूमि को और निर्वाण भूमि को टोक शब्द से कहते हैं, यहाँ हमने हस्तिनापुर में देखा कि भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ की जो टोंक है उसको नसिया न सबसे कहते हैं, नसिया नसिया कहते हैं। और राजस्थान में भी देखा है कि गांव के बाहर थोड़ी दूर पर अगर जो मंदिर हैं और उनको नसिया सबसे कहा जाता है, खजान जी की नसिया, दीवान जी की नसिया और भट्टारी की नसिया आदि से, जयपुर में भी नसिया, खानिया में भी नसिया आदि कहते हैं। तो नसिया शब्द का अर्थ यहाँ टीकाकार ने 17 प्रकार से किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपको सुनाऊँ। निषिद्धिका शब्दों अनेकार्थ विधायी, निषिद्धिका शब्द अनेक अर्थ को कहने वाला है। तथा ही जिन सिद्ध प्रतिबिंबानी कृत्रिमा कृत्रिमाणी, दीनेन्द्र भगवान के और सिद्धों के जो प्रतिबिंब है, प्रतिमाएँ हैं, चाहे कृत्रिम हो या अकृत्रिम, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी, इनका इनको निषिद्धिका शब्द से कहते हैं। पहला अर्थ किया है कि अरहंत भगवंतों की सिद्धों की प्रतिमाएँ कृत्रिम और अकृत्रिम, कृत्रिम और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएँ हैं निषिद्धिका हैं। दूसरा अर्थ करते हैं तथा तदालय, और उनके मंदिर, अरहंतों के मंदिर, सिद्धों के मंदिर जो है, वो मंदिर भी जो है आलय यानी मंदिर जिनालय, वो भी जो है निषिद्धिका शब्द से कहे गए हैं। तीसरा अर्थ करते हैं बुद्धियादि लब्धि संपन्ना मुनिया, बुद्धि रिद्धि आदि संपन्न जो मुनि हैं वो भी निषिद्धिका शब्द से कहे गए हैं, मुनियों को निषिद्धिका कहा। बुद्धि रिद्धि आदि संपन्न, स्रोत्र रिद्धि आदि संपन्न आदि जो रिद्धियाँ हैं, चौसठ रिद्धियाँ, उनमें से कोई भी रिद्धि जिनको हुई है ऐसे मुनिगण वो निषिद्धिका शब्द से कहे गए हैं। चौथा अर्थ करते हैं तैराश्रितानि क्षेत्राणि, उन रिद्धि संपन्न मुनियों से आश्रित जो क्षेत्र हैं यानी जहाँ विराजते हैं वो क्षेत्र भी निषिद्धिका शब्द से कहा जाता है। पाँचवा अर्थ करते हैं अवधि मनापर्य केवल ज्ञानी न, अवधि ज्ञानी, मनापर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी महामुनि भी निषिद्धिका शब्द से कहे गए हैं। केवल जी भगवान भी आ गए, अवधि ज्ञानी भी आ गए, मनापर्य ज्ञानी भी आ गए। और छठा अर्थ करते हैं ज्ञानोत्पत्ति प्रदेश, जहाँ किन्हीं मुनि को अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, या जहाँ किन्हीं मुनि को मनोपरि ज्ञान प्रकट हुआ, या जहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसी केवल ज्ञान भूमि, मनोपरि ज्ञान भूमि, अवधि ज्ञान भूमि आदि भी उनके उत्पत्ति के प्रदेश जो हैं, जहाँ पर उत्पन्न हुए वो प्रदेश भी निषिद्धिका है। तई राशि क्षेत्राणी, उनसे आश्रित जो क्षेत्र हैं जहाँ विराजते हों वो भी निषिद्धिका हैं। आठवां अर्थ करते हैं सिद्ध जीवा, सिद्ध भगवान भी निषिद्धिका शब्द से कहे गए हैं। निषिद्धिका नमो निषि आए से सिद्ध भगवंतों को भी नमन हो गया, सिद्ध जीवा। नौवां अर्थ करते हैं तन निर्वाण क्षेत्राणी, उनके निर्वाण क्षेत्र भी निषिद्धिका हैं, पावपुरी चंपापुरी आदि शिखर आदि, ये भी उनके निर्वाण क्षेत्र भी। और दसवां अर्थ करते हैं तही तई राश्रित आकाश प्रदेश, उन अवधि ज्ञानी, मनापरि ज्ञानी और केवल ज्ञानी नहीं, सिद्ध जीव, सिद्ध जीवों से आश्रित जो आकाश प्रदेश है वो भी निषिद्धिका है, यानी सिद्ध शिला और उसके ऊपर जो है तनुवाद बने में जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनसे आश्रित जो आकाश प्रदेश हैं वो भी जो है निषिद्धिका है। सिद्ध जीवों से आश्रित तनुवाद बने के अंतभाग में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, सिद्ध शिला से बहुत कुछ ऊपर है। हमेशा हम और आप ध्यान रखें, एक दिन मैं इस पर प्रकाश डालूंगी कि कितना ऊपर है, सिद्ध शिला से काफ़ी ऊपर तनुवाद बले में हैं सिद्ध भगवान, तो उनसे आश्रित आकाश प्रदेश भी निषिद्धिका है। ग्यारहवा अर्थ करते हैं सम्यक्त्वादि चतुर्गुण युक्ता तपस्विना,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार गुणों से युक्त तपस्वी जो हैं वो भी निषिद्ध का सबसे मान कहे गए हैं। बारवां अर्थ करते हैं तई राश्रित क्षेत्रम। ऐसे इन सम्यक्तादि चार गुणों से युक्त, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, इन चार से युक्त जो तपस्वी हैं उनसे आश्रित जो क्षेत्र है वो भी निषिद्ध का है। तेरहवा अर्थ करते हैं तत्यक्त शरीराश्रित प्रदेश, और जहाँ पर उनके शरीर का त्याग हुआ वो स्थान भी निषिद्ध का सबसे कहा गया है। यानी सिद्ध भगवंतों ने जहाँ शरीर को छोड़ा उसके आश्रित प्रदेश वो भी निषिद्ध का है। चौदहवा अर्थ है योग स्थिता तपस्विना, ध्यान में स्थित तपस्वी जो है, ध्यान में लीन तपस्वी, वो भी निषिद्ध का सबसे माने गए हैं। पंद्रवा अर्थ है तय राश्रित क्षेत्रम, उन तपस्वियों से योग में स्थित ध्यान में स्थित मुनियों से इस आश्रित जो क्षेत्र है वो भी निषिद्ध का बन गया, पवित्र हो गया। और सोलहवा है तन मुक्त शरीर आश्रित प्रदेश, जहाँ पर ध्यान मिलिन मुनियों ने शरीर को छोड़ा माने समाधि हुई, ऐसे उनके आश्रित प्रदेश भी निषेध का है। और सत्रवा अर्थ करते हैं त्रिविध पंडित मरण स्थिता मुनिया, तीन प्रकार के पंडित मरण से सहित जो महामुनि हैं वो भी निषेध का कहलाते हैं। इसीलिए मुनियों के शरीर को पूज्य माना जाता है। तीन प्रकार के पंडित मरण हैं भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोगमन और इंगिनी। ये तीन मरण का वर्णन भगवती आराधना में बहुत विस्तार से किया हुआ है। आप लोगों ने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया ही होगा, और जिन्होंने नहीं किया हो मैं तो प्रेरणा करूँगी, निवेदन भी करूँगी कि भगवती आराधना का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आचार्य सांसार महाराज ने कहा एक बार कि मैंने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया है। तो बात यही है, भगवती आराधना का स्वाध्याय से ही अपना अंत सुधरता है, अपने परिणाम बढ़िया रहते हैं, अच्छे रहते हैं, और समाजी मरण उत्तम होता है। तो समाजी मरण के तीन भेद हैं भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण, प्रायोग मरण। बहुत से साधु आज जो से लेखना ग्रहण करते हैं, आज ही आचार्य श्री दर्शन सार जी महाराज उनका साक्षात्कार हो रहा था, वो दर्शन दिए, मुझे अच्छा लगा इतनी दूर से, और उनका आग्रह था कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ। मैंने निवेदन किया कि नहीं महाराज जी, अभी आपको नहीं समाधि लेना है, कुछ शारीरिक कष्ट है तो उसके लिए इलाज होना चाहिए, थोड़ा आयुर्वेदिक औषधि आदि का जो है मैं भी उस पर चिंतन करूँगी, लेकिन अभी समाधि लेने की उम्र नहीं, अभी 74 वर्ष की उम्र है। तो बात यह है कि साधुजन जो है, हमें आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों से मिलने का अवसर होता आया है, तो अच्छा लगा कि हम आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। बात यही है कि आचार्य वीरसार जी महाराज भी हमने देखा कि स्वाध्याय के इतने ज़्यादा उनका स्वाध्याय का अभ्यास था कि जिनके संस्कार इतने प्रबल कि मिर्गी जैसे दौरे में भी और धर्म का ही उपदेश दें, धर्म की बात करें, धर्म की चर्चा करने लग जाएं, और बेहोशी दूर होते ही हमने क्या कहा था, क्यों सब इकट्ठे हो गए। तो बात यही है कि ये स्वाध्याय की महिमा, आज जब हम स्वाध्याय करने लगते हैं, जब ये नमो निषि आए, नमोस्तु निषेध निषिद्धिका को नमस्कार हो, और उसके 17 अर्थ पढ़े, कितना आनंद आया मन में कि इसमें कोई छूटे ही नहीं। सिद्ध भगवान भी आ गए, अनंत भगवान भी आ गए, महामुनि भी आ गए, तपस्वी भी आ गए, और उनसे आश्रित क्षेत्र भी आ गए, और जहाँ से उन्होंने मोक्ष पाया वो भी आ गए, सिद्ध जीव भी आ गए, और सिद्ध शिला पर विराजमान भी आ गए, वो स्थान भी आ गया, सब पवित्र पूज्य, तो पंचकनाड़क भूमियाँ भी आ गई, सभी आ गई। तो कितना अच्छा लगता है कि स्वाध्याय में कितना आनंद आता है, कितना मन में आह्लाद होता है और कितनी प्रसन्नता होती है। तो बात यही है कि जब यह चेठाला की पंक्ति मस्तिष्क में गूंजती रहती है कि देखो ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण,
यह परमामृत जन्म जनामृत रोग निवारण। ऐसे ही श्री कुंद कुंद देव ने भी अपने मूलाचार में एक पंक्ति कही है कि जिन वचन मोसह मिदम विषय सुख विरेचन अमृत भूतम अमिज भूतम जनमरण बाह्य हरणम खय करणम सब दुखानम। कि जिन भगवान के वचन महान औषधि हैं, जिन वचन औषध मिदम विषय सुख विरेचनम, विषय सुखों का विरेचन कराने वाले हैं, विषय सुखों का त्याग कराने वाले हैं, अपने आप उनसे अरुचि होती है। और जनमरण बाह्य हरणम, जरा बुढ़ापा और मरण आदि जो व्याधि हैं अनादिकाल से हमारे और आपके साथ लगी हुई हैं, इनके भी दूर करने वाले हैं जिन ऐसी औषधि है भगवान के वचन। और क्षय करणम सब दुखानम, संपूर्ण दुखों का क्षय करने वाले हैं जिन भगवान के वचन, बहुत बड़ी औषधि है। और ये हमारा और आपका स्वाध्याय ये चर्चा ये बहुत बड़ी औषधि है, शरीर को भी स्वस्थ करता है और आत्मा को स्वस्थ करता है। सबसे बड़ी बात है आत्मा स्वस्थ होती है, आत्मा पवित्र होती है, पावन होती है, आत्मा निर्मल होती है। हमारे और आपके स्वाध्याय में एक बार आचार्य श्री बिरसा जी महाराज के सामने ब्रह्मचारिणी सुमति बाई जी बैठी हुई थी सोलापुर की, हम लोग सभी बैठे हुए थे तो वो प्रश्न कर रही थी, हम लोग बड़े प्रेम से सुन रहे थे, आचार्य श्री उत्तर दे रहे थे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आचार्य श्री आप षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे हैं तो आप सब समझते हैं कि नहीं। तो आचार्य महाराज बिरसा महाराज ने सिर ऊपर उठाया, देखा और बोले कहीं कहीं समझ में आता है, कहीं कहीं नहीं भी आता है। तो बोले फिर आप पढ़ते क्यों हैं उस विषय को जो कहीं समझ में आता है। तो इसलिए पढ़ता हूँ कि असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा हो रही है। लिखा है कि स्वाध्याय करते करते उपयोग उधर लगा हुआ है, अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं अर्थ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मन में आला है आता है, कब ऐसा श्रुत ज्ञान का क्षेत्र विशेष बढ़े जब इसको भी समझ जाऊं। तो कभी ना कभी हमारा श्रुत ज्ञान पूर्ण तो होगा ही, समझ में सब आ जाएगा। तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा हो रही है इसलिए पढ़ रहे हैं, असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा हो रही है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो सचमुच में जो है हम और आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं तो असंख्यात गुण श्रेणी रूप से हमारे और आपके कर्मों की निद्रा हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये परिचर्चा, तत्व चर्चा, गौतम स्वामी के वचनों की चर्चा हम और आप जो कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि असंख्यात गुण श्रेणी रूप से अपने कर्मों की निद्रा हो रही है, ज्ञान में आनंद आ रहा है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और आज का ये ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान जो एक न एक दिन हमारा केवल ज्ञान बनेगा, ये केवल ज्ञान के लिए बीज है। तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन करते हुए और आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के भी चरणों में नमन करते हुए और श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज आपको विशेष सूचना